आम आदमी पार्टी कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि जिस तरह कल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा कि एक दो दिन में बम की खबरें आने लग जाएगी और अब देखो खबरें आने लगी है। आगे उन्होंने बीजेपी को निशाना बनाते हुए क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते इस वीडियो में। एजुकेशन मिनिस्टर ने उसके लिए ट्वीट किया है, बच्चों को स्कूलों से निकाला जा रहा है, संख्या स्कूलों की बहुत ज़्यादा है, इस पर क्या कहना है सर? देखिए इत्तेफाक की बात है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपने ट्वीट में एक रात पहले कहते हैं कि अब इस तरीके की घटनाएं देश में या इस तरीके की मैसेजिंग देश में आने वाली है, अपनी सीट के नीचे देखिए बम हो सकता है, और अगले ही दिन इस तरीके की हॉक्स कॉल्स आ रही हैं। इसका एक ही लिटमस टेस्ट है, अगर दिल्ली पुलिस एक दिन के अंदर या दो दिन के अंदर निकाल के ले आएगी कि ये लोग हैं जो इस तरीके की झूठी कॉल कर रहे हैं, क्योंकि आजकल ये निकाल के लाना कोई बड़ी बात ही नहीं है, तो बड़ा आसान है, कॉल ट्रेस हो सकती हैं, ईमेल ट्रेस हो सकती हैं, तो ठीक है। और अगर नहीं ला पाती, असक्षम रहती है दिल्ली पुलिस, तो समझ में आता है कि इसके पीछे जो है कौन लोग हैं, तो लोगों को अपने आप ही समझ में आ जाए। इत्तफाक है, काफी बड़ा इत्तफाक है।